अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। यहाँ पे सैटरडे है, टाइम 11:35 है। हम वले हो जा रहे हैं। वले हो की ड्राइव यहाँ से मेरे घर से 29 मिनट की है। वहाँ पे हम फेरी टूर बाय करेंगे सैन फ्रांसिस्को के लिए। वेदर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, मॉचुएट है, स्काई क्लियर है। इट्स मीन के परफेक्ट है इंजॉयमेंट के लिए। और जबकि विंटर चल रहा है लेकिन रेन के कोई चांसेस नहीं है। अभी तक बस वन रेन हुई है और आपको पता है कि रेन मुझे कितनी पसंद है, मैं रेन का वेट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने घर से कर लिया था और अब सोच रहे थे कि क्या करें, तो सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। तो माइंड में ये आया कि चलो आज फेरी टूर करते हैं सैन फ्रांसिस्को का, क्योंकि ज़्यादा ड्राइव करने की हुरम का मूड नहीं था कि ज़्यादा ड्राइव करें। तो तकरीबन 11:35 हम लोग घर से निकले थे और 12 o'clock हम वहाँ पे पहुँच गए थे। और वेरी फर्स्ट टूर जो था वो होना था 1 o'clock। हमारे पास 1 आवर था ऑलमोस्ट। इसमें हमने कहा यहाँ की सराउंडिंग एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो चलें दिखाती हूँ आपको क्या क्या देखने को मिलता है, हम लोग क्या क्या करते हैं। आप सुन सकते हैं बोले हमें अच्छा खासा विंडी है, ये विंड की साउंड है। और अभी हम लोग यहाँ पे अपनी कार पार्क करेंगे, पार्किंग यहाँ पे फ्री है। और इसके बाद टिकट बूथ जाएंगे ऑफिस है इनका, ऑफिस से टिकट बाय करेंगे। और अभी देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं दिखे। मे बी 1 आवर रहता है, इसलिए सम टाइम ये होता है कि लोग जो है 20 मिनट पहले आते हैं या 15 मिनट पहले आते हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। टिकट इनकी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं लेकिन हम लोगों ने सेम टाइम पे बाय की हैं। इसके अलावा देयर इज अ फ्लायर एंड गाइड सेक्शन। एज यू कैन सी बिसाइड इट देयर इज अ विजिटर इंफॉर्मेशन। ऑफिस इज आल्सो लोकेटेड वेयर यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, लॉजिंग, रेस्टोरेंट एंड इंटरटेनमेंट ऑप्शन। क्योंकि सम टाइम जब हमारा कहीं का अनप्लान विजिट होता है तो बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं हमें, हमें नहीं पता होता कि कौन सा सूट करेगा प्लान हमें, कौन सा नहीं करेगा। तो ये कि अगर प्रॉपर गाइडलाइन हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो तो चीज़ें इजी हो जाती हैं और प्लान जो है मोर इंजॉयबल हो जाते हैं। वैसे तो आजकल आपको पता है हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कंपनीज की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इनकी टाइमिंग्स और उनके रूट प्लान्स। लेकिन फिर भी अगर जैसे इन केस आप चेक करना भूल गए हैं तो सेम टाइम पे आप इनके ऑफिस से पूछ सकते हैं। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने 8 o'clock किया था और सबको अब स्नैकिंग की क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि एक तो विंडी था, दूसरा ये वाटर के क्लोज था, तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था कि दिल कर रहा था कुछ मंचिंग करें। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कोई रेस्टोरेंट ओपन हो या कॉफ़ी शॉप ओपन हो कि हम लोग कुछ बाय कर लें। तो सिर्फ एक टैपर रूम जो है इनका खुला था और वो भी क्या था कि वहाँ से कुछ हम लोग बाय तो कर नहीं सकते थे। फिर कॉफ़ी शॉप देखी कि कॉफ़ी शॉप पे ओपन हो, तो वहाँ पे अंदर तो लेडी काम कर रही थी लेकिन वॉक क्लोज था वो भी, तो कुछ भी ना फिर मिला, वेट करना पड़ा। तो बस ये है कि वॉक करते रहे इसके सराउंडिंग और बस टाइम ऐसे पास किया बातें करके और वेट किया 1 आवर। उसके बाद ये है कि टर्मिनल पे हम लोग चले गए और वहाँ पे हमारी बोर्डिंग हुई और हम फिर उसके अलावा फिर शिप में चले गए। ये संजीएल है, रोमन की इन्वेंशन है और टाइम बताती है। जो इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं और जो इसकी वर्टिकल थिन रॉड है उसको नोमन कहते हैं। जब इस पे सन की रेज पड़ती हैं इसके शेडो से जो प्रेजेंट टाइम है वो पता चलता है। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ।
अब हम लोग टर्मिनल पे बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं थोड़ी देर में, क्योंकि डिपार्चर टाइम है। सब लोग तकरीबन पहुंच गए हुए हैं, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद सब शिप में बैठ जाएंगे और 1 आवर का तकरीबन सारा ये टूर है। उसके बाद हम लोग सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे, पियर 39, जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो लेट्स सी, हमारे साथ ही रहिएगा और इन्जॉय कीजिए। अब हम लोग बोर्ड होने लगे हैं इंटरेस्ट में। एक छोटा सा कैफे है जहाँ पे चिप्स, स्नैक्स, कॉफ़ी और दूसरी भी छोटी छोटी चीज़ें थी। और ये है कि ये जो वेसल है ये 2 स्टोरी है, इसका नाम इंचोली है। और हम लोग लेकिन सेलेक्ट करेंगे अपनी सीट्स सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि व्यू ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं व्यू को। मैंने कहा चलें एक क्विक टूर करते हैं पूरे वेसल का। ये इनका डेक है छोटा सा, उसके बाद हॉलवे में से अभी हम लोग होते हुए स्टेयर्स से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। ये सेकंड फ्लोर है, कुछ एरिया कवर्ड था और बाकी का जो है ओपन था। हम लोगों ने अपनी सीट्स ओपन एरिया में चूज की। आप देख सकते हैं ये सारा एरिया अनकवर्ड है। बोर्ड देखें, सराउंडिंग देखें, मज़े वाली धूप है, सनशाइन बहुत मज़े की है, बहुत मज़ा आ रहा है। शार्प 1 o'clock हो गए, इंटोरी डिपार्चर हो रही है। हम स्टार्ट ऑफ करेंगे मियर आइलैंड के स्ट्रेट से और सैन फ्रांसिस्को बे में पहुंच जाएंगे। इसके दौरान हम 2 ब्रिजेस के नीचे से गुजरेंगे, एक का नाम है सन राफेल और दूसरा है बेबे। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की नेवल शिप यार्ड है। इसमें ऑलमोस्ट 500 से अबाव अभी तक नेवल वेसल बन चुके हैं, जिसमें काफ़ी से न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल हैं। लास्ट जो न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे बनी थी वो 1970 में बनी थी। जिस शिप में हम बैठे हैं इसका नाम इंचोली है, वो यहाँ के फॉर्मर मेयर के नाम पे है। इस एरिए के अराउंड लाइक जो यहाँ पे सिटीज और टाउन्स हैं इसके अराउंड, वहाँ पे ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन लोग रहते हैं। जिस रूट से हम जा रहे हैं अभी, इस रूट से ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। और इस कंपनी के ऑलमोस्ट 11 शिप्स हैं जो कि इस टाइम सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे अर्लियर मैंने आपको बताया था कि 2 ब्रिज आते हैं हमारे वे में, तो ये सन राफेल ब्रिज है। अब हम लोग सैन फ्रांसिस्को की फेरी बिल्डिंग पे पहुंचने लगे हैं। ये 1890 में बिल्ट हुई थी और इसमें बहुत से रेस्टोरेंट और स्टोर्स हैं जहाँ पे आप फूड इंजॉय कर सकते हैं।
शॉपिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि ये बोर्ड वॉकिंग एरिया है, इसके लेफ्ट पे मार्केट प्लेस है और मार्केट प्लेस में अनलिमिटेड रेस्टोरेंट हैं और शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आप देखें कि बाहर भी लोग ओपन एयर में फूड इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट और अगर इंजॉयमेंट की बात हो तो फूड के बगैर तो आई थिंक सो किसी की भी इंजॉयमेंट कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ की स्पेशलिटी सी फूड है, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, एक वेदर का इम्पैक्ट। वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड तो नहीं है, देखिए लोगों ने शॉर्ट्स भी पहनी हुई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने कहीं स्वेटर नहीं पहनी हुई या जैकेट्स नहीं पहनी हुई। कुछ ऐसे भी हैं जो जस्ट टी में आपको नज़र आ रहे हैं, टी शर्ट्स में नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि इतनी इनको सर्दी भी नहीं लगती यहाँ के लोगों को, हम लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ये कि इतना कोल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, ऐसा वाला कोल्ड होता है कि दिल करता है कोई हॉट चीज़ इंजॉय की जाए, लाइक सूप इंजॉय किया जाए या सी फूड इंजॉय किया जाए। तो आज हम लोग भी सी फूड इंजॉय करेंगे। और एंटर होते ही अभी पहले तो बुक शॉप है, उसके बाद कॉफ़ी शॉप है, क्योंकि बुक्स भी इनकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कॉफ़ी भी इनकी रूटीन का, इनकी डेली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ना तो इनकी मॉर्निंग कॉफ़ी के बगैर स्टार्ट होती है, और इसके साथ साथ बुक भी इनकी रूटीन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि आप इनको हॉस्पिटल में देखोगे, पब्लिक प्लेस में देखोगे, बार्ट पे देखोगे, बार्ट स्टेशन पे देखोगे, इवन बस स्टॉप पे देखोगे, तो ये अपने फ्री टाइम में बुक पढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे, गॉसिप करते हुए नहीं या इधर उधर देखते हुए नहीं नज़र आएंगे। तो बुक्स और कॉफ़ी दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं इनकी ज़िंदगी के लिए। इसलिए आप देख रहे होंगे कि एंटर होते ही जो पहली दो शॉप्स हैं वो एक तो बुक स्टोर था और एक कॉफ़ी शॉप थी। ये जो है सुशी रेस्टोरेंट था, इनके पास सैलड बहुत मज़े मज़े के थे, सूप बहुत मज़े मज़े के थे, मिज़ो सूप भी था इनके पास जो कि जापनीज सूप होता है। और ये इनके पास फ्राइड चीज़ें थी, बहुत यमी लग रही थी। लेकिन सुशी जो है, सुशी मेरी फेवरेट है और मुझे और इब्राहिम को बहुत पसंद है, मेरे घर में हम दोनों शौक से खाते हैं। इसके अलावा सैलड हैं दूसरी साइड पे, सैलड भी बहुत मज़े मज़े के हैं। क्लैम चाउडर भी था इनके पास, टोमेटो सूप भी था, लेकिन क्लैम चाउडर आज नहीं मैं ट्राई करूँगी क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है। और ये है कि सैलड में आप वेजिटेबल सैलड या सी फूड सैलड इंजॉय कर सकते हो। अभी तो नहीं हम लोग फूड खाएंगे, क्योंकि पहले इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, 1 आवर की वॉक करेंगे, सारा ये देखेंगे, फिर उसके बाद फूड इंजॉय करेंगे। क्योंकि ये सैलड देखिए, सैलड में किस किस किस्म का सैलड है, चिकन सैलड है, सी फूड सैलड है, मिक्स वेजिटेबल सैलड है, नट सैलड था, फिर ये किनोआ सैलड था, वाइल्ड राइस सैलड था, स्पिनच सैलड था, फिर इसके अलावा सीग्वास सैलड था। ओह माय गॉड, सीग्वास भी मज़े की होती है, मैंने खाई हुई है। लेकिन यह कि डिपेंड करता है, आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना ये नहीं मैं कह सकती कि हर किसी को पसंद आती है। हाँ, मुझे अच्छी लगती है, मैं कभी कभी खाती हूँ। चेरिया जो है ब्राइट हैं इस बिल्डिंग में और कुछ जो हैं डार्क हैं, इसलिए अगर कहीं ब्लरी हो तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है। और ये ब्रेड शॉप थी, यहाँ पे अभी दिखाऊंगी, इनके पास बहुत वेराइटी थी, फ्रेश ब्रेड बनाती हैं, उसमें तरह तरह के ब्रेड में फ्लेवर थे, देखिए किस किस तरह का लोफ है, और इनके डिफरेंट नाम थे। लेडी भी बहुत अच्छी थी, बड़ी वेलकमिंग थी, उसने मैंने उससे कहा कि मैं बना लूँ, कहती हाँ वाई नाट, तो मैंने बड़ी तसल्ली से बनाई। वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेकिन ये है कि जाहिर बात है हर एक चीज़ तो नहीं डिटेल में दिखाई जाती, लेकिन कोशिश होती है कि जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये देखें, ये ब्रेड शॉप है और लोग जो है बाय कर भी रहे थे। अब की बनी हुई ग्रीन अनियन की बनी हुई, फिर इसके अलावा ट्विंकल ब्रेड इसका नाम है इस वाली का। यहाँ पे किड्स, एडल्ट, ओल्ड सब इंजॉय करते हैं, किसी किस्म की एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो ओल्ड एज में है या किस एज में है, स्टडी भी और वो इंजॉयमेंट भी हर एज में करते हैं। चलें भी, वॉकिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, लेट्स गो, देखते हैं आज कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं और क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे भी साथ हैं।
वेरी फर्स्ट टाइम ये इतनी लंबी वॉक करेंगे। वेदर तो बहुत अच्छा है, करनी तो चाहिए और कर भी सकते हैं। हर इंसान रिलैक्स होके कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई डिफरेंट राइड्स को एंजॉय कर रहा है। केबल कार्स भी होती हैं, फिर ये बाइसिकल राइड भी होती है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं स्कूटर रेंट कर लेते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है और कितनी लाइवली है। जब हम पहुंच गए थे फेरी बिल्डिंग के बाहर, तो हम उधर से चल के गए थे फिशरमैन वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस ऑफ बे एरिया की। इसकी जो नंबर वन रीजन है यहाँ पियर 39 है, जहाँ आई थिंक आप बोर्ड हो ही नहीं सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी माइनर सी, मामा को पता नहीं था इतना चलना पड़ेगा और वो हाई हील पहन के आ गई थी। तो हम काफ़ी डिफरेंट शॉप्स में जा रहे थे और वो सारी ऐसी लगी थी, सूवनियर हुडीज थी, चीज़ें थी, तस्वीरें थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी ताकि आप इस जगह को रिमेम्बर कर सकें। लेकिन उनके पास स्लाइड्स नहीं थी, कोई स्नीकर्स नहीं थे जो हम मामा को खरीद के दे सकते थे और वो सुकून से पहन के चल सकते थे। लेकिन कुछ नहीं होता और हम आपको यहाँ की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी सारे फूड स्टैंड थे, जैसे आप देख सकते हैं इस चूरो के स्टैंड को, ये काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें बेच रहे थे। अब ये वाला तो काफ़ी नाइस है ना, लेकिन सब लोगों ने बस ग्रिल्स भी सेटअप की हुई थी जिसके ऊपर वो ग्रिल कर रहे थे, कॉर्न ऑन द कॉब और हॉट डॉग्स और प्रेट्सल्स बेच रहे थे और काफ़ी सारी चूरोस। हमने एक जगह से ऐसी जगह से चूरोस लिए थे, एक चॉकलेट वो फिल था और एक रेगुलर चूरो था। और यहाँ एक और रीज़न भी है कि ये फेमस है, इसलिए यहाँ ये सैन फ्रांसिस्को बे एक्वेरियम भी है और यहाँ हद से ज़्यादा सी ऑटर्स थे। अब यहाँ हम अंदर चल के ये इधर आ गए मार्केट प्लेस के ना पियर 39 के अंदर। यहाँ की मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो स्मेल है ना बहुत ही मज़े की, इसलिए इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ मज़े मज़े का सी फूड सेल हो रहा था, इतनी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेल हो रही थी। आगे जाके मैं आपको स्पेशल डोनट भी दिखाऊँगा, पता नहीं कि टर्किश डोनट्स बना रहे थे हाँ इस जगह पे थे और इतने छोटे छोटे से थे और इतने इतने ज़्यादा बना रहे थे और बकेट्स के अंदर डाल के लोग खरीद रहे थे। यही वो जगह है जहाँ से लोग टर्किश डोनट्स खरीद रहे थे। अब हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी सारी लोग खरीद रहे थे, आप लाइन को भी देख सकते हैं। ये है वो छोटे से टर्की डोनट्स, ये इतनी सारे लोग खरीद रहे थे और ये लड़की इधर बना रही है इनको, इनको बकेट के निकाल के आई थिंक उनको कोई चीज़ के से निकाल के। तो हम एक्सप्लोर करते रहते मार्केट प्लेस को, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक पर्ल शॉप भी थी जहाँ वो पर्ल्स की ज्वेलरी जैसे बना के बेचते थे। और फिर एक आगे जाके एक मैजिक वाली जगह भी, हुडीनी की मैजिक शॉप, जहाँ आप जाके वो मैजिक ट्रिक्स वो आपको थोड़ी सी दिखाती है और आप उनकी किट्स को खरीद भी सकते हैं मैजिक करने के लिए। ये पर्ल फैक्ट्री थी जहाँ वो ज्वेलरीज के अंदर उन्होंने पर्ल यहाँ के यूज़ किए हुए थे, ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी है। पर्ल्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे। ये आगे जाके काफ़ी सारी डिफरेंट दुकानें हैं और इंटरेस्टिंग सारी है। ये बार्स है और ग्रिल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ आप आके व्हेल टूर्स भी कर सकते हैं, आजकल तो बंद हुए हुए थे लेकिन यूज वो कोविड के वजह से, लेकिन आप ज़्यादातर आके आप व्हेल भी देख सकते हैं पानी के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें वो छलांगे मार के बाहर निकलती है और लोगों को अच्छा लगता है देखना। ये लोग यहाँ बैठ के अपने ईट कर रहे हैं चीज़ें। और आगे जाके जेयर्स की आइसक्रीम शॉप भी आती है, अभी हम आपको दिखाती है। यहाँ इनके पास काफ़ी सारे आइसक्रीम फ्लेवर्स है, ये आ गई है। इसके क्लोजर आए और अब अंदर चलते हैं। जिस सेकेंड आप घुसो तो काफ़ी सारी जली बली के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनकी जली बली बीन जो चीज़ें, जो काइंड ऑफ सरप्राइजिंग थी कि डेयर्स की आइसक्रीम शॉप में इतनी सारी जली बली की चीज़ें मिल रही थी। लेकिन हाँ थी, फ्यूचर वीडियोस के लिए हम आपको जली बली फैक्ट्री भी दिखाएंगे जिसके लिए वो दिखाते हैं कि जली बीन जिनके कैसे बनते चीज़ है।
और ये देखो इनके सारे काफ़ी सारे आइसक्रीम फ्लेवर्स थे जिसके अंदर काफ़ी सारे पॉपुलर वाले जो होते हैं चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ये सारे थे। फिर काफ़ी दूसरे भी थे। अभी अल्काट्राज है, इतना क्लोज था उस जगह से। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप नीचे देखें तो काफ़ी सारे आपको वो सी ऑटर्स और सी लायंस और चीज़ें नजर आएगी। ये देखिए It's so funny. And that is the flower box production. Thank you guys. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you for showing us. Hey guys. इसकी काफ़ी टाइम हो गया था और अब ऑलमोस्ट अबाउट 4 or 5 o'clock हो गए थे। तो हम थोड़ा सा और आगे चल के गए थे पियर 41 के पास और यहाँ हम आ गए थे बोर्डिन। बोर्डिन मैंने एक दफ़ा पहले एयरपोर्ट पे देखा था जब हम किधर जा रहे थे, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे देखा था। और वहाँ उन्होंने बोला था कि एक कंपनी सैन फ्रांसिस्को में ही बनी थी और ये काफ़ी अच्छी है और फेमस है अपनी ब्रेड के लिए। और हम सब तो मेन्यू देख रहे थे लेकिन मामा ने अंदर जाके वो वीडियो बनाई थी पूरे रेस्टोरेंट की। अब ये आप देख सकते हैं अंदर लोग डाइनिंग कर रहे थे लेकिन आपको अपनी वैक्सीनेशन कार्ड की प्रूफ दिखानी पड़ी थी, अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखा के तो आप अंदर जा। और यहाँ आप देख सकते हैं राइट पे बोर्डिंग कैफ़े थी जहाँ आप जैसे उनके वो स्नैक्स ले सकते हैं, फिर कॉफ़ी ले सकते हैं या कुछ उनकी ब्रेड ट्राई आउट कर सकते हैं। और मैंने नोटिस किया था यहाँ सब एक चीज़ खा रहे हैं, वो एक लोफ ऑफ ब्रेड थी और उसके लिए क्लैम चाउडर था। ऑलमोस्ट हर टेबल पे एक बंदे के पास वो था। मुझे तो इतना पता नहीं इसके बारे में लेकिन मामा मेरी बहुत पसंद करती है इस डिश को। और हम 2-3 और रेस्टोरेंट पे गए थे लेकिन उनके पास वो चीज़ें नहीं थी जो हमने ट्राई आउट करनी थी। तो हम थोड़ा सा और चले थे और ये देखिए आप ये देख सकते हैं रिप्लीज बिलीव इट और नॉट एप्पल बीज, ये काफ़ी मज़े की जगह। रिप्लीज बिलीव इट और नॉट म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी अजीब सी चीज़ें होती है जो आप देखेंगे आप कहेंगे ये असल में हो रहा है, ये क्या है, इसके अंदर क्या पीछे ट्रिक है। जैसे पीछे तो आपने मैजिक शॉप देखी थी ना, अब ये उसके भी ज़्यादा कूलर चीज़ है। तो आगे जाके हमने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जैसे मैंने आपको बोला देखा है और ये फिर आगे आके हमें एक जगह मिलती है वो हम आपको भी दिखाते हैं। वहाँ से हमने फ्राइड वो खाई थी फिश और श्रिम्प्स खाए थे और चिप्स खाए थे, फिश एंड चिप्स खाए थे। और ये कूल सी गाड़ी ये चीज़ें खरी हुई थी, ये बड़ी मुझे कूल लगी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज के अंदर से कुछ ऐसे निकला या कुछ।
और फिर हमने जगह पे जिस पे खाई थी वो ये थी चाउडर हट फ्रेश ग्रिल, और यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी और बहुत मज़े की थी, मैं आपको ज़रूर कहूँगा। हमने सैंडविचेस भी ली थी, आई एम प्रीटी श्योर, यस हमने कॉर्ड सैंडविच लिया था जो हद से ज़्यादा मज़े का था। ये आउटडोर डाइनिंग इन्होंने तो की हुई थी और यहाँ कोई भी बैठ के खाना खा सकता है, सिंस आउटडोर डाइनिंग है आपको अपना वैक्सीनेशन कार्ड भी नहीं दिखाना पड़ता। तो हमने तो तब तक खाना वो ऑर्डर कर दिया था और अब हम उसके लिए वेट करेंगे, इतना टाइम भी नहीं लगा। तब तक हमने ये चीज़ें भी देख ली थी, रिप्लीज बिलीव इट और नॉट म्यूजियम के बारे से, और ये भी हम चॉकलेट फैक्ट्री भी गए थे, यहाँ से हमने आइसक्रीम ली थी, काफ़ी मज़े की थी। और यहाँ हम अब हमारी सारी चीज़ें आने लगी, हम आपको दिखा, ये थी वो चॉकलेट शॉप जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, यहाँ आइसक्रीम भी बहुत मज़े की मिल रही थी, इसका नाम है सैन फ्रांसिस्को चॉकलेट स्टोर, और यहाँ हम आइसक्रीम लेने आए हुए थे और होममेड आइसक्रीम थी ये, उन्होंने इधर ही बनाई थी दुकान के ऊपर, होममेड थी और सब कुछ। और ये अब हम आपको दिखाते हैं जब वो थोड़ी सी लाइव कुकिंग कर रहे होते, हमारा ऑर्डर रेडी होने लगा था, तो ये वो अंदर चीज़ें बना रहे। वहाँ भी मैंने देखा था बोर्डिंग की तरह, वहाँ भी हद से ज़्यादा लोगों ने वही ऑर्डर किया हुआ था, लोग उन्होंने काट के क्लेम चाउडर अंदर डलवाया था, आई थिंक लोगों की फेवरेट और ये यहाँ की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा मैं भी ट्राई करना चाहूँगा, इसलिए मामा को तो बहुत पसंद है, वो हर टाइम लेती रहती है, लेकिन मुझे हर टाइम लगता था कि टेस्ट नहीं अच्छा होगा या कुछ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अभी आके लूँगा, इसलिए भाई लोगों को तो बहुत पसंद है, क्लेम चाउडर मैं भी लूँगा ब्रेड के अंदर डाल के, आई होप इट्स गुड। अब ये हमारा फूड आ गया है, काफ़ी सारे थे, जैसे मैंने आपको बताया था ये फ़िश टाकोज है, ये फ़िश एंड चिप्स है, ये फ़िश हद से ज़्यादा मज़े की होती है, ये फ्राइड फ़िश, ये हमारे फ़िश सैंडविचेज है जो ये भी बड़े मज़े के थे, चाइनीज श्रिम्प्स खा रही है और बादशाह ने भी उसके साथ खाए थे, उन दोनों को वो मज़े के लगे थे, इसलिए छोटे छोटे से थे और स्नैक्स के तरह थे उनके तरफ। और ये फ़िश टाकोज और ये फ्राइज थे, गार्लिक फ्राइज, बहुत मज़े का था सब कुछ। फिर उसके बाद हमारा फेरी का टाइम हो गया था वापस जाने का, और रात के वक्त तो हम सही टाइम पे हम आए थे, अबाउट 6 o'clock जब हम जा रहे थे ना, सनसेट हो रहा था, व्यू इतना नाइस था, बे ब्रिज इतना क्लियर नज़र आ रहा था, डाउनटाउन एक्चुअली मज़े का नज़र आ रहा था। यूजली तो हम गाड़ी के अंदर बैठ के इसको देखते हैं ना, लेकिन पानी के ऊपर इसका हद से ज़्यादा मज़ा आएगा, ये देख सकते हैं आप बे ब्रिज, जब रात का वक़्त होता है इसके ऊपर लाइट्स भी और चीज़ें भी ऑन हो जाती है। तो जैसे 1 hour हमें लगा था आने को सैन फ्रांसिस्को, वही राउंड ट्रिप होगी 1 hour जाने को, ये देखिए अब रात हो रही है और सन पीछे था सैन फ्रांसिस्को की स्काईलाइन के पीछे, हद से ज़्यादा प्यारा लगा था। और हम सब खड़े हुए थे ताकि हम सब एक तस्वीर ले सकते थे, लेकिन इतना मुश्किल था, इसलिए विंड्स इतनी तेज़ हो गई थी कि सबके बाल हो रहे थे, अभी तो इतनी तेज़ नहीं है लेकिन बाद में जब आप देखेंगे ना तो सबके बाल हो रहे थे, किसी से आंखें नहीं खोली जा रही थी, अब सब ने जैकेट्स पहन ली है, ऑलमोस्ट कोट जुपर कर ली है, हम सब यहाँ तस्वीर खिंचवा रहे थे इसलिए इस टाइम हमारे बाल नहीं हो रहे थे। अब यहाँ आप देखिए, आप मेरे भी बाल देख सकते कैसे हो रहे हैं, और वो पीछे सैन फ्रांसिस्को कितना प्यारा लग रहा है, स्काईलाइन मेरी फेवरेट है सैन फ्रांसिस्को के बारे में। नाउ इट्स टाइम टू गो होम, अब ये इवनिंग व्यू है, ये वो सारी बिल्डिंग्स हैं जो यूजुअली मैं आपको सैन फ्रांसिस्को आते हुए दिखाती हूँ, लेकिन ये देखें आज कितनी क्लियर नजर आ रही है, सेल्स फोर्स की बिल्डिंग और दूसरी वाली साथ साथ जो दिख रही है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाई हुई है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम शिप से आप देख रहे हैं फेरी से, तो मुझे मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ इवनिंग व्यू भी शेयर करूं। और ये है कि ऑलमोस्ट हमने 5 hours इधर इंजॉय की है, सेम टाइम पे हम लोगों ने बोथ वेज की टिकट बाय कर ली थी, और परफेक्ट हमारी आज की टाइमिंग रही है, स्केड्यूल बिल्कुल परफेक्ट रहा है, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया लास्ट मिनट पर ये प्लान किया था, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत मज़े में रहा, बहुत इंजॉय किया, फूड इंजॉय किया, अपनी वॉकिंग इंजॉय की, इसके अलावा इवन के बच्चों ने भी हर चीज़ को बहुत इंजॉय किया। तो अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर शेयर किया करें हमारे साथ, ताकि हम लोगों को पता चले आपकी लाइकिंग का और डिसलाइक का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।